डीजी स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विजय जी, अब तक की देरी के कारण हमें बताएं स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई। देखिए, गत वर्ष में समय से पहले ही इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी और निविदाएं आमंत्रित की गई थी और काफ़ी बड़ा टेंडर होता है और बहुत सारे आपूर्तिकर्ता उसमें प्रतिभाग करते हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा में कुछ लोगों के उसमें आपत्तियां आई थी और टेंडर की शर्तों के बदलने की बात आई थी, नियमानुसार उसमें कार्रवाई करना पड़ा, सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेना पड़ा और काफ़ी चीज़ें आई थी। उस टाइम पर इलेक्शन और आचार संहिता चल रही थी और हर स्तर पर काफ़ी प्रयास करके उसको पूरा किया गया और लगातार कार्यादेश भी निर्गत किया गया और लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। वेंडर मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत कड़ाई से किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो समय सारणी हमने अनुबंध में किया उसको 100% पालन करते हुए ये आपूर्तिकर्ता सप्लाई किया जाए। और अभी सप्लाई तेजी से चल रही है, आपने देखा भी है, और कोशिश ये है कि हम लोग जल्दी से इसको 100% पूरा करें। सत्र शुरू हुए चौथा महीना चल रहा है तो क्या तो देरी का कारण आपने मुझे बता दिया, ये जो पढ़ाई पिछड़ गई उनकी ये कैसे कंप्लीट होगी? नहीं, देखिए, हम लोगों ने उसके लिए भी टीचर्स को निर्देशित किया है और कोशिश की जा रही है कि पठन पाठन सफल ना हो। इस बार हम लोग शिक्षकों को, जो हमारा टीचर गाइड्स है, रेमेडियल मॉड्यूल है, उनसे पढ़ाई करा रहे हैं क्योंकि दो साल की वैश्विक महामारी के बाद ही है और प्रयास ये है कि जल्दी जल्दी सप्लाई हो जाए, कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और कोशिश यही की जा रही है कि वेंडर्स के ऊपर लगातार अनुश्रवण करते हुए 100% सप्लाई जल्दी से जल्दी पूरा। पब्लिशर्स हैं, उनके साथ आप लगातार बैठक भी कर रहे हैं, वो क्या रीज़न बता रहे हैं कि आखिरकार देरी क्यों हुई इतनी? नहीं, जो एक जैसे मैंने कहा, परिस्थितियाँ ऐसी थी जबकि नॉर्मली जैसे कार्यादेश हम लोगों ने निर्गत किया उसके बाद लगातार उनका काम शुरू हुआ। और दूसरा, मार्केट की परिस्थितियाँ ऐसी उभर के आई, उन लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से पेपर मिल समस्याएं आई, एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ और विभिन्न कारण बताया गया, लेकिन हालांकि वो सब कारण आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाध्यता हमेशा रहेगी कि वो हमें 100% समय जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया उसी अनुसार सप्लाई करें और इसी के लिए हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। उनको प्रशासन की मदद से जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग करवा रहे हैं, उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद और हमारी मंशा है कि 100% हम लोग शासन के निर्देशों के क्रम में समयबद्ध रूप से उसको सप्लाई करा रहे हैं। सवाल है, इस देरी के पीछे कोई लापरवाही भी है और क्या इसकी जाँच करेंगे? नहीं, हर स्तर पर इसकी समीक्षा हुई है और इस स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। समय से कार्य प्रारंभ किया गया था, हर स्तर पर कोई शिथिलता किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। लगातार हम लोग उसमें अभी भी पैरवी कर रहे हैं और विलंब विपरीत परिस्थितियों की वजह से हुई, मार्केट सिचुएशन की वजह से हुआ है, लेकिन अब पिछले सालों में काफ़ी प्रोसेस रिफॉर्म्स हुए हैं, सप्लाई में बेहतरी हुई है। जैसे हमारा स्टेट क्योंकि शीर्ष स्तर पर जो निर्णय लिया उसके आधार पर सबसे बड़ा DBT प्रोग्राम चल रहा है जिसमें काफ़ी टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग्स हुए हैं, काफ़ी प्रोसेस रिफॉर्म्स हुए, इसमें और भी सुधारात्मक कार्रवाई हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया करने के लिए विजय किरण आनंद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कई सुधार किए गए हैं और लगातार सुधारों का क्रम जारी है। स्कूलों तक किताबें अभी नहीं पहुंच पाई हैं लेकिन बहुत से जल्द इन किताबों को बच्चों के हाथों में पहुंचाया जाएगा।